हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो लेक्चर ऑफ माइक्रोकंट्रोलर 8051 आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एस स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स ऑफ 8051 जीरो एज नेम सजेस्ट ये हमारे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर हैं मींस कि ये कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस करेंगे और कुछ फंक्शनल जो ब्लॉक्स ऑफ 8051 है उनको कंट्रोल करेंगे ठीक है तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं सबसे पहले ये रजिस्टर्स होते कहाँ हैं तो इंटरनल मेमोरी होती है इन 8051 ज़ीरो फ़ाइव वन

एफ एच ठीक है दिस इज द एड्रेस रेंज फॉर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर एंड बी रजिस्टर मैं वन बाई वन इनकी वर्किंग भी डिस्कस करूंगी पहले हम इनके नाम डिस्कस कर लेते हैं सेकेंड होता है हमारा प्रोग्राम स्टेटस वर्ड वर्ड विच इज ऑल्सो कॉल्ड पी एस डब्ल्यू ठीक है इसका ऑलरेडी वीडियो में बना दिया है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी देन नेक्स्ट हमारा है इनपुट आउटपुट पोर्ट रजिस्टर इनपुट आउटपुट पोर्ट रजिस्टर ठीक है हमारे पास फोर पोर्ट होते हैं तो रजिस्टर्स भी फोर होंगे पोर्ट जीरो पोर्ट वन पोर्ट टू एंड पोर्ट थ्री ठीक है ये हमारे फोर हो गए नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज डेटा पॉइंटर डेटा पॉइंटर ठीक है दिस इज डिफाइंड बाई डी टी पी आर एक्सटर्नल मेमोरी तो हम इसको एक्सटर्नल मेमोरी के लिए यूज करते हैं और अगर हम इसको एट एट बिट्स में डिवाइड करते हैं तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डी पी एच डेटा पॉइंटर हायर बाइट डेटा पॉइंटर लोअर बाइट क्लियर है नाउ सीरियल डेटा बफर रजिस्टर विच इज यूज्ड फॉर सीरियल कम्युनिकेशन इसको हम लिखते हैं एस बी यू एफ दिस इज अगेन एडमिट एस एफ आर नेक्स्ट इज टाइमर रजिस्टर टाइमर रजिस्टर ठीक है ये हमारे फोर होंगे फर्स्ट हमारा होगा टाइमर जीरो का हायर बाइट टी एच वन हायर बाइट ऑफ टाइमर वन टी एल जीरो लोअर बाइट ऑफ टाइमर जीरो एन टी एल वन लोअर बाइट ऑफ टाइमर वन ठीक नेक्स्ट एज टाइमर कंट्रोल रजिस्टर दीज आर टी कॉन टाइमर कंट्रोल एंड टी मोड ठीक है ये इसका मोड मोड को कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग मोड को और ये टाइमर को कंट्रोल करता है नेक्स्ट पावर and power control power control in which p-con is power control and s-con is serial control which is used in serial communication next is interrupt control register in which i-p interrupt priority register and आईई इंट्रक्ट इनेबल रजिस्टर नेक्स्ट इज टैक पॉइंट एंड वन मोर इज प्रोग्राम काउंटर प्रोग्राम काउंटर इज ऑल्सो सिक्सटीन बिट रजिस्टर फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे विथ एक्मिलेटर एक्यूमिलेटर इट इज डिफाइंड बाई ए और ए सी सी दिस इज अ अट बिट रजिस्टर ठीक है एंड दिस इज यूज फॉर ऑलमोस्ट दिस इज यूज फॉर ऑलमोस्ट ऑल अरेथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ठीक है ये हमारा यूज होता है अगर हम इस रजिस्टर की बात करें तो ये रजिस्टर्स हमारे कैसे होंगे एट बिट रजिस्टर है दिस इज एल एस बी बिट

ट्वेंटी फाइव एच तो दिस ट्वेंटी फाइव विल बी लोडेड इन ई जीरो मीन्स एक्ूमलेटर ई जीरो इज द एड्रेस ऑफ एक्मिलेटर नाउ अब हम देखते हैं रजिस्टर बी यूज अलोंग एक्मिलेटर इन मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन ऑपरेशन डिविजन ऑपरेशन ठीक है मींस की अगर सपोज हम यूज कर रहे हैं फॉर मल्टीप्लीकेशन तो बी होल्ड मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट मल्टीप्लीके ठीक है बट अगर हमारा इंस्ट्रक्शन यूज हुआ एम यू एल ए बी मीन्स की मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म हुआ तो आफ्टर दैट हायर बाइट ऑफ प्रोडक्ट will be save in register B. ठीक है, ये हुआ in case of multiplication. Now in case of division. अब हमारा अगर division है for division. B hold B hold divisor. And after execution of DIB AB means कि division जो remainder होगा रिमाइंडर ऑफ रिजल्ट विल सेव इन रजिस्टर बी ठीक है ये हो गया नाउ अगर हम इस रजिस्टर की बात करें ये कैसे होगा वॉट इज द डायरेक्ट एड्रेस तो डायरेक्ट एड्रेस ऑफ दिस रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेस इन रैम एड्रेस इज बी जीरो एच एड्रेस इज एफ जीरो अगर इसके बिट बाई बिट करेंगे तो एफ जीरो तक होंगी ठीक है तो दिस इज अबाउट रजिस्टर बी इनपुट आउटपुट पोर्ट रजिस्टर इन केस ऑफ एट जीरो फाइव वन देर इज फोर पोर्ट विच कैन बी वर्क एज इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट ठीक है तो एवरी पोर्ट हैव बिट्स तो पोर्ट इनपुट आउटपुट पोर्ट जीरो रजिस्टर ठीक है अगेन दिस इज अट बिट रजिस्टर ठीक है अगर ये पोर्ट जीरो है इसकी एट बिट्स हो गई ठीक नाउ इनकी बिट्स कैसे होंगी दिस इज पोर्ट जीरो तो पी जीरो डॉट जीरो पी जीरो डॉट वन पी जीरो डॉट टू पी जीरो डॉट थ्री पी जीरो डॉट फोर पी जीरो डॉट फाइव P0.6 एंड P0.7 अगर हम इस पोर्ट के डायरेक्ट एड्रेस की बात करें मीन्स की टोटल की अगर हम कमाइनली यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट एड्रेस ऑफ पोर्ट ज़ीरो एज 80h. एच और अगर हम बिट बाय बिट बात करें तो 80h, एच 82, वन 84, टू 86. थ्री फोर एटी फाइव सिक्स एट्टी ठीक है तो दिस इज फॉर पोर्ट जीरो, पोर जीरो। नाउ अगर हम पोर्ट वन की बात करें इनपुट आउटपुट पोर्ट वन एंड इसके बिट्स कैसे होंगे पोर्ट वन जीरो पोर्ट वन वन पोर्ट वन टू पोर्ट वन पॉइंट थ्री पोर्ट वन पॉइंट फोर पोर्ट वन पॉइंट फाइव पोर्ट वन पॉइंट सिक्स एंड पोर्ट एंड डायरेक्ट एड्रेस क्या होगा डायरेक्ट एड्रेस इज 90H एच एंड बिट वाइज नाइन्टी नाइन्टी वन नाइन्टी टू नाइन्टी थ्री नाइन्टी फोर नाइन्टी फाइव नाइन्टी सिक्स एंड नाइन्टी सेवन इन द सेम वे अगर हम बात करते हैं पोर्ट थ्री की नाउ इफ़ पोर्ट टू की बात करें तो इट विल बी पोर्ट टू पॉइंट जीरो पोर्ट टू पॉइंट वन पोर्ट टू पॉइंट टू पोर्ट टू पॉइंट थ्री पोर्ट टू पॉइंट फोर पोर्ट टू पॉइंट फाइव पोर्ट टू पॉइंट सिक्स एंड पोर्ट टू पॉइंट सेवन एंड डायरेक्ट एड्रेस ऑफ दिस पोर्ट इज़ ए जीरो एच एंड बिट बाइज़ ए ज़ीरो ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स एंड ए सेवन ठीक है नाउ अगर हम पोर्ट थ्री की बात करें ठीक है ये है पोर्ट थ्री इसकी बिट्स क्या होंगी पी थ्री जीरो पी थ्री पॉइंट वन पी थ्री पॉइंट टू पी थ्री पॉइंट थ्री पी थ्री पॉइंट फोर पी थ्री पॉइंट फाइव पी थ्री पॉइंट सिक्स

DPTR DPTR is a 16 bit register which hold the address of 16 bit address of external memory for example move DPTR hash 4021H means ki what is the content of DPTR DPTR ka content kya hoga 4021H एच ठीक है नाउ दिस डीपीटीआर को हम यूज कर सकते हैं टू एट बिट के नंबर में भी डीपीटीआर मींस की डेटा पॉइंटर अगर हम इसे टू एट बिट्स में यूज करते हैं तो डी पी इज इक्वल टू डी प्लस डी डेटा पॉइंटर हायर बाइट डेटा पॉइंटर लोअर बाइट नाउ यही ऑपरेशन अगर हमें परफॉर्म करना है थ्रू दिस तो हम कैसे लिखेंगे मूव डी ट्वेंटी वन एच इमीडिएट डेटा तो नाउ दोनों इंस्ट्रक्शन में सेम ऑपरेशन होगा बट इन दिस केस सिक्सटीन विद डेटा इज लोडेड इन डेटा पॉइंटर इन दिस केस फर्स्ट ट्वेंटी वन इज लोडेड इन डी पी एल देन फोर्टी एच लोडेड इन डी पी एच डी पी एच एंड फाइनली डीपी टी आर की वैल्यू क्या हो गई फोर्टी एंड ट्वेंटी अगर हमें इस लोकेशन का डेटा एक्यूमलेटर में लोड करना होगा तो हम कैसे लिखते हैं मूव एक्स ए कॉमा एट द रेट डी पी टी आर मीन्स लोड द कंटेंट ऑफ दैट लोकेशन विच इज प्लेस्ड इन डेटा पॉइंटर टू एक्मेलेटर ठीक है तो ये तो हुआ कि कैसे इसके साथ इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं नाउ व्हाट इज द एड्रेस ऑफ दिस तो डीपीटीआर में डेटा पॉइंटर के टू पार्ट्स हैं डीपीएल एंड डीपीएच तो एड्रेस ऑफ डेटा पॉइंटर लोअर इज एटी टू एच एंड एड्रेस ऑफ ए डी पी एच इज एटी थ्री एच नाव फॉर सीरियल डेटा बफर रजिस्टर आई विल प्रोवाइड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स नाउ देखते हैं टाइमर रजिस्टर टी एच जीरो वन टी एल जीरो टी एल वन तो बेसिकली टी एच जीरो एंड टी एल जीरो इज यूज फॉर टाइमर जीरो ठीक है दिस इज असटीन बिट रजिस्टर ठीक है विच कैन बी यूज एज अ टाइमर एज वेल एज काउंटर तो टी एच जीरो मीन्स टाइमर जीरो हायर बाइट ठीक है एंड दिस इज टाइमर जीरो लोअर ठीक है, ठीक मीन्स की सपोज ये हमारा अगर टाइमर है टाइमर जीरो रजिस्टर तो दिस पोर्शन इज ये एट बिट का हमारा क्या होगा टी एच जीरो एंड दिस एट बिट फॉर टी एल जीरो ठीक है इसके बिट नंबरिंग क्या होगी जीरो टू सेवन एंड ये हमारा क्या होगा एट टू फिफ्टीन ठीक नाउ व्हाट इज द एड्रेस ऑफ दिज रजिस्टर रैम एड्रेस फॉर टी एल जीरो इज एट एच एंड फॉर दिस एट सी एच इन द सेम वे अगर हम बात करें टी एच वन एंड टी एल वन की तो दिस इज फॉर टाइमर वन ठीक है सेम वे टी एच वन टी एल जीरो ना वट इज़ द एड्रेस एड्रेस फॉर टी एच वन इज एट डी एच एंड एड्रेस फॉर Lower byte of timer one is 8BH, तो ये हमारी काउंट की वैल्यू को स्टोर करेंगे बॉक्स नेक्स्ट इज पी कॉन एंड एस कॉन आई विल प्रोवाइड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बेसिकली दीज आर यूज दिस इज यूज फॉर पावर कंट्रोल एंड दिस इज यूज इन सीरियल कम्युनिकेशन फॉर मॉड कंट्रोल ठीक है नाउ नेक्स्ट इज इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर एंड आई इज इंटरप्ट इनेबल रजिस्टर आई विलोवाइड द लिंक ऑफ दिस रजिस्टर ऑल्सो नाउ हम देखते हैं वट इज द फंक्शन ऑफ स्टैक पॉइंटर करते हैं एस पी एस पी मींस स्टैक पॉइंटर Now what is the uh, now what is the function of this? It hold it holds the last used memory address of stack. Okay? Stack is used for storing the temporary data. Okay? And this is a 8-bit register. मीन्स इसकी जो वैल्यू होगी वो जीरो जीरो टू एफ एफ एच तक हो सकती है नाउ अब इसके लिए जो इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं वो होते हैं हमारे पुश पॉप कॉल एंड रिटर्न ठीक है दीज इंस्ट्रक्शन इज यूज फॉर स्टैक पॉइंटर इनिशियली जैसे ही पावर टर्न ऑन होती है टर्न ऑन पावर ऑफ एट जीरो फाइव वन तो बाई डिफॉल्ट बाई डिफॉल्ट इट होल्ड जीरो सेवन एच ठीक है दिस इज द एड्रेस अब जब हमने पुश यूज किया पुश यूज किया तो जो नेक्स्ट डेटा होगा जहां का भी डेटा हमने पुश किया सपोज मैंने यूज किया पुश आर वन तो कंटेंट ऑफ आर वन विल बी स्टोर्ड इन एस पी प्लस वन मींस की एट जीरो इसके नेक्स्ट वाले लोकेशन पे नाउ आफ्टर दिस व्हाट इज द न्यू एसपी न्यू एसपी इज दिस वन ठीक है इन केस ऑफ पॉप पॉप के केस में क्या होगा एसपी विल बी एस पी माइनस वन बिकॉज पॉप इज यूज फॉर रीड्राइविंग द डेटा मीन्स कि स्टैक से हम वापस रजिस्टर को डेटा लेते हैं पुश के केस में हम डेटा रजिस्टर को से स्टैक पर सेव करते हैं इन पॉप डिक्रीमेंट होगा इन पुश इंक्रीमेंट होगा ठीक है तो आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ स्टैक एंड स्टैक पॉइंटर ऑल्सो वहां पर मैंने विथ एग्जांपल्स एक्सप्लेन किया है थैंक यू सो मच स्टिल यू हैव एनी डाउट प्लीज टाइट डाउन इन कमेंट सेक्शन थैंक यू